इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आईपीएल के आगामी सीजन में नहीं खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के बेन स्टोक्स पिछले सीजन में अधिकांश मुकाबलों से बाहर रहे थे। स्टोक्स के बाएं घुटने की सर्जरी होगी। वे जनवरी में भारत दौरे के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर्जरी के बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उनकी वापसी मुश्किल होगी। आईसीसी ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर आईसीसी के एंटी करप्शन कोड के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। आईसीसी ने कहा है कि सैमुअल्स पर बैन लगाने से बाकी लोगों को सबक मिलेगा। आईसीसी ने उन क्रिकेटरों को महिलाओं के खेल में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया है जो मेल प्यूबर्टी हासिल कर चुके हैं। इसमें सर्जरी करवाने के भी मामले शामिल हैं। आईसीसी के इस फैसले के बाद दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे कनाडा टीम के हिस्सा थी। उन्होंने संन्यास लेते समय निराशा भी व्यक्त की। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने कहा था कि मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि बेस्ट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। कागज पर भारतीय टीम बेस्ट टीम है। मोहम्मद कैफ के इस बयान पर अब डेविड वार्नर ने तंज कसा है। वार्नर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कागज पर कौन मजबूत है। दिन के अंत में आपको तब प्रदर्शन करना होगा जब ये सबसे अहम हो, इसलिए इसे फाइनल कहते हैं। यही वह दिन है जो मायने रखता है, या किसी भी दिशा में जा सकता है। यही खेल है। 2027 में हम आ रहे हैं। तेज गेंदबाज आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स से राजस्थान रॉयल्स में जा रहे हैं। इसके बारे में आरआर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल एलएसजी में शामिल होंगे। पेसर आवेश खान को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 के मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पड्डीकल के लिए 7.75 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अपने आईपीएल करियर की शानदार शुरुआत के बावजूद दोनों खिलाड़ियों के लिए 2023 का समय काफी खराब रहा। ऑक्शन से पहले ही इन खिलाड़ियों को ट्रेड कर लिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के रूप में अगला आईसीसी टूर्नामेंट 6 महीने बाद जून में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है। इसके बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 टी20 मैच खेलेगी। वहीं साल 2024 की शुरुआत में भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में टीम इंडिया को इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए केवल 11 टी20 मैच ही मिलेंगे। अगले साल मई में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमों के बीच होने वाली टी20 सीरीज को फिलहाल टाल दिया गया है। बिजी शेड्यूल के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। हालांकि ये सीरीज अब कब खेली जाएगी इसका अभी फैसला नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार करने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नीचे के ग्रेड में खिसकाया जा सकता है और बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति भी देने से मना किया जा सकता है। रऊफ उन 6 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 40 लाख पाकिस्तानी रुपए से अधिक मासिक वेतन वाला बी ग्रेड का अनुबंध दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के कुछ आला अधिकारी हारिस रऊफ के रवैये से खफा हैं। पाकिस्तान के महान क्रिकेटर जावेद मियादाद को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम की अगुवाई के लिए नवनियुक्त कप्तान शान मसूद की जगह सरफराज अहमद बेहतर विकल्प होते। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरफराज काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के लिए पहले भी कप्तान के तौर पर अच्छा कर चुके हैं, और अगर उन्हें कप्तान बनाया जाता तो ऑस्ट्रेलिया में वे टीम के लिए अहम रहते, क्योंकि वहां का दौरा मुश्किल होता है।